और आज का ब्लॉग कुछ इस तरह से स्टार्ट होने वाला है क्योंकि मैं बहुत लेट से उठी हूँ. आज 9 बज चुके हैं और अभी मुझे ब्रेकफास्ट बनानी है, फिर फलाना ठिकाना बहुत सारा काम है, ऊपर से सब्जी वाले भी आ चुके हैं. तो सब्जी तो लेनी है, अगर नहीं लोगे तो आपको 10 डेज तो फिर मिलने वाली नहीं है. तो मुझे सब्जियां भी लेनी है, फिर उसके नहलाने धुलाने का भी काम रहेगा. यार बहुत लंबा काम है, तो मैंने सोचा फिर ये सब ब्लॉग में मैं दिखाऊं और कुछ इंटरेस्टिंग भी होने वाली है इस ब्लॉग में, तो प्लीज़ बने रहो मेरे साथ. और फिलहाल अभी मैं जा रही हूँ किचन, किचन में जल्दी से बनाती हूँ ब्रेकफास्ट, क्योंकि ब्रेकफास्ट करने के बाद मुझे जाना है सोसाइटी के ग्राउंड फ्लोर पे. तो आज मैं ब्रेकफास्ट में साबूदाना खिचड़ी बना रही हूँ. बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही इजी रेसिपी है ये. यहाँ पे मैंने थोड़ा जीरा पाउडर, नमक वगैरह डाल दी हूँ और यहाँ से मैंने पहले से ही एक आलू काट लिया था. आलू जो है मेरा बॉयल्ड है और टमाटर ऐड कर देती हूँ इस इंग्रेडिएंट में और थोड़ा चला लेते हैं. इसे मिक्स करने के बाद मैं इसमें थोड़ा मूँगफली को भी डालना है क्योंकि मूँगफली से इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है. और ये मेरा खिला खिला डिलीशियस सा ब्रेकफास्ट हो चुका है रेडी. देखिए तो ब्रेकफास्ट करने के बाद हम आ चुके थे अपने सोसाइटी के नीचे, जहाँ की जो ये पार्किंग एरिया है, पार्किंग एरिया में ही सब्जी वाले लोग आए हुए हैं और हमें यहाँ से सब्जियाँ लेनी है. बहुत सारी सब्जियाँ लेनी है आज तो, क्योंकि ताकि मुझे नेक्स्ट 2 वीक्स तक तो आना ही ना पड़े. आराम से मैं 15 दिन तक सब्जियाँ ले स्टोर करके रख लूँगी अपने घर में. और यहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड है जो कि हमें सैनिटाइज़र देता रहता है, ताकि जो भी सैनिटाइज़र अपने हाथ में लगाए वो बंदा अंदर जाए और सब्जियाँ ले सके. तो मेरा भी नंबर 1 आवर्स के बाद ही आया था. मैं 1 घंटे लंबे लाइन में लगी और मेरा नंबर आया. उसके बाद मैंने बहुत सारी सब्जियाँ ले ली. अभी मुझे कोई भी टेंशन नहीं है 15 दिनों तक, और मैं सारी सब्जियों को भी स्टोर करके रख दूँगी. तो गाइज आज जो मैं सब्जी वगैरह लेके आई, उसके बाद वॉश वगैरह सब किया, और आज सब्जियों में मुझे थोड़ा फ्रूट्स भी मिल गया. लकीली आई एम सो लकी. तो आज मैं फ्रूट्स अभी खाने वाली हूँ. बहुत टाइम के बाद मुझे फ्रूट्स मिला है, वो भी मेरा पसंद का फ्रूट्स. मेरे पसंद के फ्रूट्स ना मेरे 2 हैं. एक है आम, मालदा आम. मुझे यहाँ पता नहीं आप यहाँ पे कौन कौन से यार आम मिलते हैं, हापूस वगैरह वगैरह क्या क्या बोलते हैं, अल्फांसो. तो ऐसा आम हमने खाया नहीं है क्योंकि हम लोग तो मालदा प्रेफर करते हैं. हमारे पास में मालदा जो होता है वो अलग ही टेस्ट है. तो अभी मुझे जो भी मुझे नाम नहीं पता ये कौन सा आम मैं लेके आई हूँ, बट आम का नाम सुन के ही मुंह में तो वो आम वाली जो रसीली आम बोलते हैं ना, वो तो बहुत अच्छा लग रहा है. तो मुझे आपसे बात करने का मन कम कर रहा है और खाने का ज़्यादा कर रहा है, तो मैं आम काटती हूँ. ये हुई ना बात, अभी मैं डिलीशियस आम, बहुत ही अच्छी दिख रही है, बहुत यम्मी है यार. रियली बहुत अच्छी है. मुझे नहीं पता इसका नाम क्या है, ये कौन सा आम है, बट रियली बहुत मीठी है, बहुत अच्छी है. तो फ्रेंड्स आप सोच रहे हैं रुचि ये सब क्या लेके बैठ गई है. एक्चुअली 3-4 दिन पहले जो डीमार्ट से सामान आया था ना, मैंने उसका अनबॉक्सिंग नहीं किया है क्योंकि मुझे लगा यार कोई भी बाहर की जो भी चीज़ें आ रही हैं घर में उसे कुछ दिनों के लिए ऐसे ही छोड़ देनी चाहिए, ताकि जो भी कुछ भी अननोन थिंग्स जो बोल रहे हैं, जो चल रहा है आज के दिनों में, वो हमारे घर ना आ जाए. तो मैंने ऐसे ही किया है, मैं 3-4 दिन के लिए ऐसे छोड़ दी और आज मैं इसका अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ. तो देखती हूँ आजकल एक्चुअली कुछ प्रोडक्ट्स कम आए, क्योंकि जब मैं पे कर रही थी अमाउंट तो हमने देखा कि कुछ अमाउंट कम लिया है उन्होंने, एंड दे सेड दैट कुछ प्रोडक्ट कम है बिकॉज उनके पास भी इतने सारे अवेलेबल नहीं थे. तो अभी मैं देखती हूँ क्या क्या है, तो अभी मैं इसका अनबॉक्सिंग करती हूँ. ये मैंने कुछ राशन वगैरह मंगा लिया था, बेसिक राशन होगा, लकीली ये तो आ ही गया है. और अभी देख लेती हूँ कि क्या क्या आया है और क्या क्या मिस हुआ है. राइस का पैकेट देखो इन लोगों ने इधर डाला है.
एक्चुअली पैकेजिंग इज नॉट बैड बट और भी कुछ कुछ है और भी के ब्रश एंड उन्होंने एक पे डाल के रखा है ये इनवॉइस तो मैं बाद में इसे चेक कर लूँगी कुछ मसाले वगैरह हैं और सब्जी में साइड कर देती हूँ उसमें डाल के और मैं इसे बाद में अरेंज कर दूंगी अपने किचन में अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जो जो लगे और ये देखो ये क्या डालना है ऐसा एक्चुअली डीमार्ट का पैकेजिंग कुछ ऐसा है देखो डीमार्ट पहले तो एक्चुअली एक बार और जब मैंने ऑर्डर किया था वो ऐसे ही कार्टून में ही वो पैक करके दे रहे थे ऐसे कार्टून में और इस बार जब मैंने ऑर्डर किया है तो उन लोगों ने ऐसा पैकेजिंग दिया एक इसमें डाला है और एक इस बोरे में डाला है जो लास्ट टाइम इन लोगों ने नहीं दिया था मैंने सैनिटाइजर वगैरह भी ऑर्डर कर दिए थे देखते हूँ उन लोगों ने दिया है कि नहीं ओ ये देखो मैंने डेटॉल के हैंड वॉश मैंने डाला था जब भी मैं एक कार्ट कर रही थी बट उन्होंने ये हैंड वॉश दिया है और वो भी छोटे छोटे पैकेजेस में तो थोड़ा वैरी कर रहा है बट इट्स गुड यार अगर आपके पास बाहर जाने का कोई ऑप्शन नहीं है और बाहर नहीं जाना चाहिए और आपके पास घर आ रहा है हर कुछ तो इट्स वेरी गुड ग्लूकोन डी और अभी गर्मी आ रही है हमें ग्लूकोन डी तो पीनी ही चाहिए तो मैंने एक छोटा पैकेट ग्लूकोन डी का ले लिया है ऑयल मैगी और देखो ये लूज दाल दिया है मैंने लूज दाल तो नहीं मंगाई थी मैंने पैकेट वाली दाल मंगाई थी और सैनिटाइजर छोटी वाली दिया है इन्होंने ये क्या है ओ इडली राइस यार बहुत कम सामान है बिस्किट मेरा दलिया नहीं आया यार थोड़ा दाल आ गया और ये आ गया बट दलिया नहीं आया और हम लोग आजकल डाइट पे थे मीन्स डाइट बोले तो अपना बैलेंस कर रहे थे कि राइस कम खाना है दलिया ज्यादा खाना है बट दलिया तो आया ही नहीं है एक और छोटू सा हैंड वॉश मतलब कुछ अलग आ रहा है मतलब आपको जो ऑर्डर कर रहे हो और उनके पास अवेलेबल नहीं है तो वो ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि वो प्रोडक्ट आपके घर जाना चाहिए अगर वो कोई और भी ब्रांड का हो या छोटा हो बड़ा हो डजेंट मैटर वो बट वो आपको घर में दे रहे हैं ऐसा मुझे लग रहा है अभी तक और लास्ट टाइम भी मेरे साथ एक बार ऐसा ही हुआ था एक और सैनिटाइजर तो ये था मेरा प्रोडक्ट तो गाइस हमने जितना भी ऑर्डर किया था उसमें से बहुत कम सामान आई हुई है ऑब्वियसली हमारा जो मंथली राशन होता है इतना नहीं होता है तो देखते हैं नेक्स्ट टाइम अगर हमें ज़रूरत लगे तो हम और भी ऑर्डर कर लेंगे लेकिन फ़िलहाल तो यही सामान है और मैं इसे अच्छे से अरेंज कर देती हूँ अपने किचन में तो यहाँ पे हम बनाने वाले हैं बेसन का लड्डू एक्चुअली आकाश बनाने वाले हैं आकाश ने इनिशिएटिव लिया है बट फिनिश मुझे करना पड़ गया तो ये जो बन रहा है अभी मैंने इसमें मिल्क वगैरह ऐड कर दिया था क्योंकि आकाश का जो अटेम्प्ट था वो फेल हो गया तो मुझे अपने हाथ डालना पड़ा इसमें और जब मैं हाथ डाली दी हूँ तो उसका आउटपुट भी ऑब्वियसली अच्छा ही आएगा तो अभी मैं यहाँ पे तैयार कर रही हूँ बेसन का लड्डू तो ऑब्वियसली ये बहुत ही अच्छा और सुनहरा सा दिख रहा है अभी मैं इसका फ्लेम ऑफ कर देती हूँ 20 मिनट्स के लिए इसे ऐसे ही कूल होने के लिए छोड़ देती हूँ और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ जैगरी पाउडर जो कि मेरे पास था अगर आपके पास नहीं है तो आप चीनी वगैरह भी ऐड कर सकते हैं अभी मैं यहाँ पे देख लूँ ये जैगरी पाउडर कौन सा है मैंने एक्चुअली थोड़ा सा पर जैगरी पाउडर पहले भी मिला दिया था तो अभी मैं यहाँ पे थोड़ा कम मिलाई हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद हम इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी मिक्स करनी है ये देखिए बहुत ही सुंदर और बहुत ही
ब्राउनिश दिख रहा है। यहाँ पे मैं थोड़ा आलमंड्स और किशमिश और काजू का जो मैंने थोड़ा ग्रेट कर लिया था उसे मैं मिक्स कर ले रही हूँ और इसे अपने हाथों में घी लगाया है और हल्के हल्के हाथों से इसे राउंड शेप देना है ताकि हमारा जो लड्डू है वो बहुत ही अच्छा और बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं इसे थोड़ा गोल बना लेती हूँ। गोल बनाने के बाद मैं इसे प्रिजर्व भी करने वाली हूँ ताकि मैं कुछ दिन तक इसे खा सकूँ। ऐसा ना कि मैं 2-3 दिन में ही इसे निपटा दूँ। पता नहीं ये कितना दिन चलेगा बट आई थिंक ये बहुत ही कम दिन चलने वाला है क्योंकि हम बहुत दिन से स्वीट वाले चीज़ नहीं खा पा रहे हैं। तो लड्डू हमारा हो चुका है रेडी और बहुत ही सुनहरा और गोल्डन ब्राउन हो चुका है और ये मुझे नहीं लगता 2 दिन से ज़्यादा चलने वाला है।